देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 5.6 के क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सेम कॉन्सेप्ट बनाना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स निकाला है। यहाँ आप फंक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो x है वो थीटा के फंक्शन के साथ है और y फंक्शन वो भी थीटा के साथ है। इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एक कॉन्स्टेंट इसे मैं रहने देता हूँ, थीटा का यदि डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो थीटा के साथ थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। बहुत सिंपल है, आप देखिए यहाँ पर। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं डी वाई बाय डी थीटा, जहाँ कि हम देख सकते हैं कि ये एक कॉन्स्टेंट है और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस थीटा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा डी वाई बाय डी थीटा निकाला। अब मुझे फाइनली क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। ध्यान रखिएगा डी वाई बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में था। इसका मतलब ये जो पैरामेट्रिक वेरिएबल था इसे मैंने पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, जो पैरामेट्रिक वेरिएबल था इसे मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। अब इस डी वाई बाय डी एक्स को मैं लिखूंगा डी वाई बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा, मतलब इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या, तो अब सिर्फ आप इसके वैल्यू को यहाँ रखिए, वाई के फंक्शन है हमारे पास, ये माइनस 12 आएगा तो ए इंटू साइन थीटा बाय, और यहाँ पे a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं कि सर ये a कैंसिल आउट होगा। अब देखिए इस तरह से भी यहाँ तक भी आंसर आप रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक भी आंसर आप रख सकते हैं। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी इस तरह की चीज़ें इस फॉर्म में नहीं, इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर कभी कभी दिया होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा मतलब क्या, जो भी थीटा वो सिंगल उसको हाफ करना होता है, तो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा क्या होगा 2, ये जब माइनस में होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्री का, सिंपल फॉर्मूला है। आप यहाँ ध्यान से देखें 2 कैंसिल आउट होगा, 1 साइन थीटा बाई 2 और यहाँ से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसल आउट होगा, तो कॉस थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाय 2 जो बचा हुआ है हमारे पास, मतलब इसका ये एक पार्ट कट जाएगा, ठीक है, ये एक पार्ट कटेगा, तो यहाँ जो एक साइन थीटा बाय 2 बचेगा वो कॉस के साथ, उसको लिख सकते हैं क्या, कॉस बाय साइन कॉट, इसका मतलब कॉट थीटा बाय 2 और ये माइनस में होगा, यही हमारा डी वाई बाय डी एक्स होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका डिफ्रेंशिएशन यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलरली उसी तरह से बनाने हैं, लेकिन आपको यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म भी दिया हुआ है, जो पैरामेट्रिक फॉर्म आप देख सकते हैं टी में फंक्शन दिया गया है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म टी है, साथ ही साथ इसका अब डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप जैसे ही देखेंगे आपको यू बाय वी रूल, मतलब डिवीजन रूल के साथ इसे बनाना है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इसे, डी एक्स बाय डी टी पहले निकालते हैं, डी एक्स बाय डी टी निकालते ही मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन का जो प्रोसेस है वही करना है। ये साइन क्यूब, इस साइन क्यूब को आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, और इस जो नीचे है उसे ऊपर जा करके आप क्या कीजिए, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो मैं इसे डिफ्रेंशिएशन की तरह मैं इसे लिख सकता हूँ, तो मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद इस पर बात करूँगा। और ये जो है आप देखिए, ये रूट जब हटता है तो आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट में चला जाता है, तो इसका क्योंकि एक्सपोनेंट में चला गया है इसीलिए इसके मैं डी फंक्शन के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, और इसका फिर से मैं क्या करूँगा, कॉस 2t बाय डी 2t इंटू, अब इस 2t का फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में माइनस। अब जो ये है भी है उसे कॉन्स्टेंट आना है, cos
2t into, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है मुझे डी साइन क्यूब टी इसके डी फंक्शन के साथ, तो साइन टी इंटू, अब डी साइन टी का फिर से डिफ्रेंसिएशन डी टी बाय जो नीचे है उसका होल स्क्वायर कॉस 2t का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है पूरा का पूरा dx बाय dt जिसे मैंने लिखा है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट नहीं किया इसे, मैंने लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये साइन क्यूब टी इंटू, अब रूट के फंक्शन आपको पता है कि रूट के फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि वो पूरे के पूरे इस तरह से होगा, जैसे कि रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x, उसी तरह से कॉस के फंक्शन रूट में है तो नीचे आकर के 1/2 √cos 2t हो गया। अब इस कॉस 2t क्या होगा -sin 2t इंटू, और इस 2 का 2t का 2 बाय, इसको लिख दीजिए आप cos 2t इंटू 3 sin 3 t sin²t और यहाँ sin t का cos t। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि कहीं भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, और नीचे देखिए नीचे होल स्क्वायर है तो ये रूट इसके साथ कटेगा, क्या बचेगा मेरे पास cos 2t बचेगा। अब देखिए यहाँ पे ये LCM लेना होगा क्योंकि ये एक पूरा एक सिस्टम है और ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, दोनों एक्सप्रेशन में नीचे जो है मुझे यहाँ पर नीचे रूट cos 2t है तो मैं LCM लूँगा, भिन्न का जोड़ यहाँ करूँगा, मैं फ्रैक्शन एडिशन करूँगा तो ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए आप sin 3 t इंटू, ये माइनस आगे आएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास बचेगा sin 2 t, सही है, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट और ये भी रूट कैंसिल होकर के मतलब क्या ये स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा हमारे पास cos 2 t इंटू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 sin²t इंटू cos t, ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय ये इसके साथ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है कि क्या होना है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं यहाँ आप लिख सकता हूँ ये आपका dx by dt और ये dx by dt और इसी तरह से dx by dt, तो आप यहाँ निकाल लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है, कुछ जो है उसको सिर्फ अरेंज आपको कर देना है, तो अरेंज हम करते हैं, क्या होगा ये -sin 3 t इंटू, ठीक है, इंटू इसे मैं लिख दूंगा sin 2 t माइनस cos 2 t, ये 3 मैं मल्टीप्लाई आगे रख देता हूँ, इंटू sin²t इंटू cos t बाय ये एक्सप्रेशन √cos 2 t इंटू cos 2 t, तो ये मेरा dx by dt निकला है। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे dy by dt निकालना है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे dy by dt मैं निकालता हूँ, dy by dt मुझे निकालना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करूँगा मैं इसे ऊपर ले जाऊँगा और डिफ्रेंशिएट करूँगा, जैसे ही इसे मैं ऊपर ले जाकर डिफ्रेंशिएट करूँगा आपको पता होना चाहिए √cos 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ √cos 2t, ठीक है, इस cos 2t का फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो -sin 2t और इस 2t का फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो होगा 2-, अब क्या होगा, और इसे मैंने एज इट इज कॉन्स्टेंट रखा है, ध्यान रखेंगे आप कि मैंने इसे एज इट इज कॉन्स्टेंट रखा है cos 3 t माइनस, अब ये टर्म कॉन्स्टेंट होगा रूट वाले cos 2 t कॉन्स्टेंट रह जाएगा और भी u को मैं क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो करता हूँ इसे डिफ्रेंशिएट, क्या होगा बताइए 3, तो क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इसी के डी फंक्शन के साथ 3 आगे आएगा cos t का स्क्वायर इंटू, इस cos का फिर से डिफ्रेंशिएशन तो sin t, वो भी माइनस में,
इनटू ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन कॉस क्यूब टी का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय ये एक पूरा एक्सप्रेशन होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये बचेगा। अब डी वाई बाय डी टी को आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, टू टू कैंसिल होगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, साइन टू टी इंटू कॉस क्यू टी, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए रूट साथ रूट सेम रूट सेम चीज़ है तो क्या होगा रूट चेंज हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करेगा तो टू टी होगा यहाँ पर, ये थ्री आगे मल्टीप्लीकेशन और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी बाय बाय ये चीज मल्टीप्लीकेशन में, लेकिन ये एलसीएम रह जाएगा तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बना है डी वाई बाय डी टी। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, साइन टू टी माइनस में साइन टू टी कॉस क्यूब टी प्लस थ्री कॉस टू टी कॉस स्क्वायर टी साइन टी बाय कॉस टू टी रूट थ्री, ये हमारा डी वाई बाय डी टी निकला है। अब ध्यान से देखिए इसे, ये आप इसे क्वेश्चन वन माने जो मैंने पहले सॉल्व किया डी एक्स बाय डी टी, अब डी वाई बाय डी टी इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, मुझे फाइनली क्या निकालना है, मुझे निकालना है डी वाई बाय डी एक्स ही निकालना है, तो मैं क्या करूँगा इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन वन करता हूँ तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे ही हमें dy बाय डी टी डी एक्स बाय डी टी करेंगे, आप ध्यान से देखिए ये टर्म और ये टर्म नीचे वाला सिमिलर है, कैंसिल होगा डिवीजन के कारण, तो क्या बचेगा हमारा ये ऊपर वाला टर्म बचेगा माइनस, हायर पावर में पहले लिखता हूँ cos क्यू टी, सिर्फ लिखना है इसे और इसे उसके बाद अरेंज करना होता है और कुछ भी यहाँ नहीं करना है, बस थ्री cos टू टी इंटू कॉस स्क्वायर टी साइन टी डिवाइडेड बाय ये नहीं लिखूंगा क्योंकि इसके साथ कैंसिल हो गया है, तो सिर्फ मैं इसके ऊपर वाला टर्म लिखूंगा माइनस साइन क्यूब टी इंटू साइन टू टी माइनस थ्री कॉस टू टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बात को समझना होगा कि क्या यहाँ पर किस तरह से मैं कैलकुलेट करूं ताकि हमारा आंसर आ जाए, तो लिखते हैं हम यहाँ पर देखिए डी वाई बाय डी एक्स, और समझिएगा ठीक से यहाँ पे, आप देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन हमारा क्या आएगा देखिए यहाँ पे कॉस क्यूब, कॉस क्यूब है और यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कॉमन आएगा, लेकिन उसके पहले भी मैं इस साइन टू टी को ना लिख सकता हूँ टू साइन टी कॉस टी, इसे मैं लिखूंगा कॉस क्यू टी इंटू ये साइन टू को मैं क्या लिखूंगा टू साइन टी इंटू कॉस टी फॉर्मूला प्लस ये चीज थ्री कॉस टू टी इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसे ही अरेंजमेंट यहाँ हो रहा है, सिर्फ अरेंज कर रहा हूँ, इस साइन टू टी को लिखो मैं टू साइन टी इंटू कॉस टी माइनस माइनस, ठीक है ये पूरा एक्सप्रेशन आपको लिखना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा क्या थ्री कॉस टू टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी हो गया। अब देखिए अब यहाँ आप ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं ले सकता हूँ कॉस, अब ये लिखने के बाद आप देखिए मैं कॉमन क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ डी वाई बाय डी एक्स, यदि मैं लिखता हूँ तो इसे मैं कॉमन लेता हूँ, यानी कॉस स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर साइन टी कॉस स्क्वायर साइन टू मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास कॉस स्क्वायर लिया तो क्या बचा मेरे पास माइनस टू ये क्या बचा कॉस टी ठीक है और यहाँ पर मैंने क्या किया तो कॉस स्क्वायर साइन टी यहाँ से एक कॉस स्क्वायर चला गया और ये एक साइन टी ले लिया यहाँ एक कॉस और ये एक कॉस क्या बचा कॉस स्क्वायर टी यहाँ से भी सिमिलरली कॉस स्क्वायर साइन टी लिया था प्लस
थ्री कॉस टू टी, ठीक है, बाय यहाँ से साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, मैं कॉमन ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर टी कॉस टी मैं कॉमन लूँगा, तो क्या बचेगा, देखिए एक साइन यहाँ बचेगा और यहाँ पर एक साइन, तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस टू साइन स्क्वायर टी, राइट। अब साइन स्क्वायर कॉस टी कॉमन ले तो क्या बचेगा, सिर्फ मैं सिर्फ माइनस थ्री कॉस टू टी, ये हमारा बचेगा, यहाँ कैंसिल आउट होगा, देखिए कॉस कॉस साइन साइन करे, एक कॉस बचेगा और यहाँ से एक साइन बचेगा वन टाइम, तो इसे मैं लिखूँगा कॉस टी बाय साइन टी, साइन टी। अब देखिए यहाँ इसे आप ठीक से देखिएगा तो यहाँ पे अरेंज हो सकता है, क्या मैं इसे एक बार लिखता हूँ पहले, आप देखिए यहाँ पर इसे समझिए, ये एक साइन कटेगा यहाँ से, एक साइन कटेगा यहाँ, एक कॉस एक कॉस, यहाँ का एक कॉस बचेगा, यहाँ का एक साइन बचेगा, एक कॉस इससे मल्टीप्लाई होगा, एक कॉस जो बचा है कैंसिलेशन के बाद वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा क्या, माइनस टू कॉस मल्टीप्लाई होगा क्या, कॉस क्यूब टी, ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस थ्री कॉस टी इंटू कॉस टू टी, ठीक है। सिमिलरली ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस टू साइन क्यूब टी, साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री कॉस टू टी इंटू साइन मल्टीप्लाई होगा साइन टी, तो यहाँ तक तो ठीक है, अब इसे अरेंज करना होगा, तो अरेंज कैसे करते हैं वो थोड़ा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ आते हैं और देखिए यहाँ पर, यहाँ एक फिर से फॉर्मूला लगेगा, इसको आप अरेंज कीजिए, यहाँ तो लेंदी हो रहा है, कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, इसलिए आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर आपको, इसका काम अब नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ इसी में एक फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस टू टी का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस टू टी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका, एक साइन के साथ होता है और एक कॉस के साथ होता है, तो आपको क्या लगाना है ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कर क्या सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये एक कॉस बचा तो मैं कॉस टी लिखूँगा इंटू टू कॉस माइनस में कॉस स्क्वायर टी प्लस, यहाँ देखिए इसको ये मैं लिखूँगा यहाँ पे थ्री, तो ये रहेगा, अब कॉस टू टी का हम लिख सकते हैं क्या, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, ये एक फॉर्मूला होता है जहाँ की कॉस टू टी का फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिमिलरली नीचे भी यही करना होगा हमें, ठीक है। साइन टी एज इट इज रहेगा, उसके बाद ये भी एज इट इज आप इसे लिख दीजिए, अब माइनस माइनस थ्री थ्री, ठीक है, और इसे मैं साइन के फॉर्म में लिखूंगा टू वन माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है, टू टी, तो ये हमारा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ये, कॉस टू टी का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है क्या कॉस टू टी का एक फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म में, एक कॉस उसी कॉस टू टी का एक होता है साइन के टर्म में, तो मैं यहाँ इस तरह से इसे लिख दिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर आप यहाँ कॉस के टर्म में लिखें, इसे साइन के टर्म में क्यों लिख रहे हैं, उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि अब देखिए ये साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ना तो ये साइन थ्री टी बनने के चांस है, जब ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस थ्री टी बनने के चांसेस है, तो इसलिए वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करते करते ये बात समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो आप पहले इसे देखिए थोड़ा, यहाँ क्या है देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं इसे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, क्या होगा यहाँ देखिए, इस पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू कॉस क्यूब टी, मल्टीप्लाई कीजिए आप इसके साथ तो थ्री कॉस, और ये मल्टीप्लाई होगा क्या होगा सिक्स, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंपली प्लस थ्री सिक्स सिक्स सिक्स, और ये कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कॉस क्यूब टी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस
थ्री और कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो थ्री थ्री कॉस टी, ठीक है, ठीक है। चलिए बाय मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन आप करते जाइए, यहाँ पर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा क्या माइनस टू साइन क्यूब टी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री तो रहेगा ही, ये साइन इसके साथ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा साइन टी। और अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, सिक्स और ये साइन इसके साथ आएगा तो प्लस सिक्स साइन क्यूब टी, ये हमारा है अब तक का सीन। तो अब यहाँ पर आप थोड़ी सी चीज़ों को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा क्यूब पावर क्यूब में सिक्स माइनस टू तो फोर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फोर कॉस क्यूब टी माइनस थ्री कॉस टी, सिक्स क्यूब में टू क्यूब में तो क्या होगा सिक्स माइनस फिर से टू तो फोर, तो फोर साइन क्यूब टी और माइनस थ्री साइन टी। अब यहाँ पर आप सिंपली बता सकते हैं कि क्या होगा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला समझना होगा यहाँ पर कि किस तरह से फॉर्मूले को लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, ये जो कॉस होता है ये तो ठीक है, लेकिन इसे मैं लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिखूँगा कॉस थ्री टी, बट साइन थ्री टी में क्या होता है कि ये प्लस टर्म होते हैं ये माइनस टर्म होते हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ये प्लस टर्म में होता है ये माइनस टर्म में होता है, तो इसे मैं माइनस कॉमन लूँगा, इसे माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे क्या, अब देखिए ये ऊपर में हो गया माइनस कॉस थ्री टी बाय साइन थ्री टी, और इसे ही बोलते हैं हम क्या माइनस कॉट थ्री टी। तो फाइनली ये हमारा आंसर है डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा लेंदी है ये, समझाने में आपको इसलिए समय लग रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, डिफ्रेंशिएशन करना है, अरेंजमेंट करना है, और इसमें मल्टीपल फॉर्मूले यूज हुए हैं। ऐसे कि फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, साइन टू टी का फॉर्मूला, कॉस टू टी का फॉर्मूला, साइन के टर्म में कॉस के टर्म में, ये तो सिंपल है साइन टी इंटू कॉस टी, इसका फॉर्मूला दो टर्म में होता है, एक होता है कॉस स्क्वायर टी माइनस वन और साइन के टर्म में वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी बार बार, ठीक है, और इसका बार बार ये यूज भी होगा। तो इस तरह से हम माइनस कॉट थ्री टी